वेलकम बैक जी। और ज़िप लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत मज़े की गपशप जारी है। टेलीविज़न जब शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले जो एक्टिंग थी उसके बारे में भी आज हम बातचीत करें। और औरंगज़ेब साहब, अगर हम बात करें अभी वो दौर तो देखा जहां पर आपने हीरो के रोल भी किए। हीरो तो आप हमारे अभी भी हैं पाकिस्तान के। अभी कम हीरो लग रहे हैं। जरा पॉकेट स्क्वायर चेक करो जरा तुम। ये स्ट्राइप जैकेट जो है ये तो बस मैंने जाने नहीं देनी आज स्टूडियो से बाहर। आज आपको टफ कॉम्पिटिशन दिया मैंने देखा। आज टफ कॉम्पिटिशन है। उसके बाद जी अब्बा के रोल भी किए, फिर दादा के रोल भी किए। घर में क्या रिस्पांस आता है आप पोते पोतियां बच्चे क्या उनका क्या रिस्पांस होता है जब देखते हैं कि अच्छा जी हमारे दादा हमारे नाना इस वक्त टीवी पे आज भी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं घर में ये सारे कैरेक्टर्स करता हूँ। अच्छा। हाँ। और पता नहीं लगने देते उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहरयार मेरा पोता है। हाँ। तो उसके सामने जब जाता हूँ तो बिल्कुल दादा बन जाता हूँ। अच्छा। इसी तरह जब बेटों के साथ होता हूँ तो बाप बन जाता हूँ, बीवी के साथ होता हूँ तो बिल्कुल खामन बन जाता हूँ। तो ये तो आदत ही हो गई है ना। ये क्या हर घर की कहानी होती है? टीवी के सामने जाता हूँ ऐसे हो जाता हूँ। एक्टर एक्टर की होती है। एक्टर बेचारा घर में ये सारे कैरेक्टर्स करता है। अच्छा। उसके बाद औरंगजेब को इस तरह लगारी को पैक करता है। हाँ, हाँ। वो घर में छोड़ता है और बाहर वो एक एक्टर निकलता है। अब ये दूसरी जिंदगी होती है, दूसरा माहौल होता है, दूसरी तरीके से जीना होता है। तो अपनी कदरों को साथ रखते हुए जाहिर, तो फिर उसी तरह से सारा दिन काम करने के बाद फिर उस एक्टर को पैक करते हैं, फिर घर में आ जाते हैं वो बाप दादा खावन बन। ये अदाकारी वाली हरकतें फिर नस्ल दर नस्ल चली? नहीं, वो मेरा बड़ा बेटा जो मोहम्मद हारिस है उसने शुरू किया था जब बच्चा था। तो एक दिन जब छठी सातवीं जमात में था तो उसने एक रोल था मेरे बेटे का ही था, तो उसने किया, सारा दिन बैठा रहा और दो तीन जुमलों के लिए उसने, और फिर दो दिन जाता रहा, दूसरे दिन वो किताबें लेकर चला गया। उसने कहा ये बड़ा गंदा काम है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो मैं किताबें तो साथ ले रहा हूँ, कम अज़ कम पढ़ता तो। समझदार आदमी। तो वो किताबों में फिर चला गया। तो फिर उसने ग्रेजुएशन कैनेडा से की, वहीं बैंक में है, HSBC में काम कर रहा है वो। हम बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे दो बेटे वहाँ कैनेडा अमेरिका में हैं, छोटे वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह। एक बेटा लाहौर में है तो वो भी माशाल्लाह वहाँ अपना काम करता है। सैर सपाटे का काफ़ी शौक है आप? मेरा तो शायद बच्चे हैं वो बिखर गए हैं। बिखर उसकी वजह से करना पड़ जाता है? नहीं, वो मेरी वजह से ही हुआ इस तरह से कि जब 50 साल पहले मेरी शादी जब हुई थी तो मैं बीवी को लेकर चला गया था वहाँ कैनेडा। वहाँ पे जाना इतना मुश्किल नहीं होता था जी। बगैर वीज़े के आप चले जाते थे और स्टैंप हो जाती थी, अंदर चले जाते, सिटीजनशिप मिल जाती। तो इस तरह मैं इमिग्रेंट था कनाडा, वहीं बेटा मेरा पैदा हुआ पहला। तो वो जब इतना सा था 1 साल का, तो मेरे घर ज़ाहिर इंडियन पाकिस्तानी आते थे अपने बच्चों को लेकर, फैमिली जाती थी। तो मैंने देखा कि उनके बच्चे बड़े बड़े जब माँ बाप से गुफ्तगू करते थे तो जब कहते थे ना उनको डैड, तो वो जब डैड इस तरह से करते थे और मैं देखता था कि यार मेरा बेटा भी बड़ा होके आंखों में आंखें डाल के इसी तरह से बोलेगा। तो मैं गाँवी आदमी हूँ, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली से हूँ लगारी, यू नो। तो वो फिर मैंने कहा नहीं, ये बच्चे मेरे यहाँ नहीं ठीक। फिर मैं वापस आ गया सिटीजनशिप वगैरह भी छोड़ के। तो ही वॉज बॉर्न देयर दो, यहाँ पे उसने पढ़ा लिखा फिर ग्रेजुएशन की, मगर उसका कंप्यूटर में चूँकि जहन था तो यहाँ कंप्यूटर की उस वक्त पढ़ाई होती नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी। देन ही वेंट बैक टू हिज कंट्री लाइक ही वॉज बॉर्न इन कैनेडा। तो वहाँ उसके पास फिर उसने दोबारा वहाँ ग्रेजुएशन की और फिर वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो अमेरिका वगैरह का ये मैसेज आपके ज़रिए ज़रूर दूंगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जा के सेटल हों, ख़ास तौर पे आजकल का जो माहौल है, जो पाकिस्तान में क्लाइमेटीज आ रही हैं, तो बंदा सोचता है यार मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। उन लोगों के लिए जो ये सोच रखते हैं उन्हें मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि कभी ना सोचें कि आपने वहाँ चले जाना है। अगर आप चले गए तो यू विल लूज़ योर जनरेशन, आप अगली आने वाली पुश्त जो है उसको ख़त्म कर देंगे
वो आपकी नहीं रहेगी। कि डॉलर तो कमा लेंगे ना लगा साहब, डॉलर कमा लेंगे लेकिन डॉलर जिंदगी नहीं है। जिंदगी को आप माइनस कर देते हैं उसमें, रिश्तों को माइनस कर देते हैं। जैसे आजकल आप देख नहीं रहे, मोबाइल है बच्चों के हाथ में तो रिश्ते छीन लिए हैं मोबाइल ने, इस तरह से डॉलर भी छीन लेता है आपकी ज़िंदगी और रिश्तों को। वो आप दूसरी तरफ, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपको दौलत मिलती है तो उसमें आपके अंदर एक शैतान भी भेज देता हूँ जो आता है, जो आप मल्टीप्लाई करने का सोचते हो। कई लोगों के बारे में आप सोचते होंगे यार इनके पास बड़ा पैसा है, अरबों इनके पास हैं, अब ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करें? नहीं, वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लालच जो है ना वो टिकने नहीं देती। तो इसका मतलब है आपको अगर मौका दिया जाए अपनी कहानी दोबारा लिखने का, हाँ जी, तो आप उस कहानी में कुछ तब्दीली लाएंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। आपको ये लालच तो रहनी है, शैतान आपके साथ है और उसने ये काम करना ही करना है, तो ये चीज़ माइनस हो सकती है और सिर्फ वो दीन की वजह से हो सकती है। दीन पर चलेंगे तो आप ये माइनस कर लेंगे, फिर आपको डॉलर भी कुछ नहीं कहेगा, फिर आपको मोबाइल भी कुछ नहीं कहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बुराइयाँ थी, सब कुछ था, लेकिन वो दीन पर चूंकि आ गए थे लोग, तो इसलिए दुनिया फतह कर ली थी उन्होंने। तो दुनिया फतह तब ही होती है जब अंदर आप अपने आप को फतह कर लेते हो, तो फतह आप दीन के ज़रिए से ही कर सकते हैं और दीन पर चल कर। नहीं, एक पैसा बुरी चीज नहीं, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह छुरी से आप गर्दन भी काट सकते हैं और खरबूजा भी नहीं। हमारी परवरिश में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारी कोचिंग, अब हमारी तरबियत में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये हम, मेरा ख्याल है, बता भी नहीं सके अपनी जनरेशन को कि नमाज के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं आपकी कम्प्लीट। नमाज आप कज़ा नहीं कर सकते, यू हैव टू ऑफर प्रेयर, ये एक ज़रूरी चीज़ है, ज़िंदगी का हिस्सा है। वो समझते हैं शायद आखिरत में काम आएगी, नो, ये सिलेबस है। इम्तहान जब देंगे ना तो उसके पर्चे के ऊपर आपने रोल नंबर लिखना होता है ना, तो नमाज रोल नंबर है। रोल नंबर लिखा ही नहीं और आप अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर काफरों की तरह ही हो गए ना, उसमें आप में क्या फर्क हुआ? वो आपने तो फेल होना ही होना है क्योंकि उसके ऊपर रोल नंबर नहीं है। रोल नंबर आपका नमाज है, उसको नहीं छोड़े वो बाकी अच्छाइयां ले आती है। एग्जैक्टली, हां सर, ये से लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा मुझे। हां सबीन बेटा हर वक्त हंसती रहती है। हां सबीन बेटा ऐसे हंस रही, मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहा आजकल के बच्चों को। बताओ भाई क्यों हंस रही है सबीन, आज बता दो। अच्छा, मैं ये सोच रही हूं कि मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है, अच्छा अभी काफी यंगस्टर्स भी है, मेरे बहुत से क्लास फेलोज भी थे यूनिवर्सिटी में, हम साथ थे, तो हर किसी की कोशिश हुई कि हम पाकिस्तान से मूव करें, बाहर जाएं, पैसा कमाएं और हम अपना नाम बनाते हैं, भाई हम बड़े वेल सेटल्ड हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिन जॉब्स को हम बहुत छोटा समझ रहे होते हैं, हमें लगता है कि अच्छा ये इतनी छोटी जॉब है, हम कैसे करें, भाई हमारी तो शान में फ़र्क आ जाएगा, वहाँ जाकर उससे भी नीचे दर्जे की जो जॉब से वो कर रहे होते हैं, वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं। सो मैं कहती हूँ कि हमारी जो सोच है ना उस पर मुझे बाज़ोकत बहुत हंसी आ रही होती है कि हमने अपने मुल्क को, अपनी जगह को, यहाँ पर काम करने को हमने बहुत छोटा समझ लिया है। हमारी प्रायोरिटीज चेंज होगी, हमें लगता है कि अच्छा हम इस मुल्क में चले जाएंगे, ऐसे कपड़े पहन लेंगे, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा लेंगे, तो वहाँ से हम जी बहुत बड़े इंसान रेड पासपोर्ट ले लेंगे। वही अर्थ तो यही किया मैंने कि हमारी तरबियत में कुछ गड़बड़ हो गई है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उनको छुरी फेरने का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा अब्बा से, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, कि आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें क्योंकि छुरी फेरते हुए आप कहीं लरज न लरज आपका। तो वो बात इस्माइल ने क्यों की? वो इस्माइल को ऐसा नेक क्यों था? ये बात क्यों उसके पास है? इसलिए कि तरबियत इब्राहिम। आज हमारे मुल्क में आई एम सॉरी टू से इब्राहिम मर गए, बाप मर गए, बाप रहा नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज़ वो नहीं है जो बच्चे के लिए होनी चाहिए। तो आज मैं कहूँगा कि इब्राहिम को पैदा करें, इस्माइल खुद ही बन जाएंगे। बच्चों को क्या पता? हाँ। बच्चों को क्या पता? उनको तो जैसे ग्रूम करेंगे, जैसे ग्रूम करेंगे। अच्छा लगा साहब, ये बताएं कि पिछले निश्चित के हिस्से में हम बात कर रहे थे कि आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, तो अब वो सिर्फ किस्सा पारीना बन के रह गया? वो बचपन, लड़कपन, जवानी का शौक था, या अब भी जिस तरह अभी पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन में गोल्ड लिया, रेसलिंग गोल्ड, तो अब आप देखते हैं अभी भी स्पोर्ट्स का शौक है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें उसी तरह आठवीं जमात में चले जाते हैं ना, आठवीं जमात में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल ऐसे ही होता है स्पोर्ट्स तो आपके... अब तो अब हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इतना पता नहीं आपके इस बारे में क्या ख्याल है, इतना ज्यादा वो जनाब A's और B's और A प्लस लेना है और GPA इतना लेना है, अब तो वक्त ही नहीं हम बच्चे को देते। नहीं बेटा आजकल तो स्कूल जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 लाख फीस ये है ना आजकल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ये है कि कितने वाले स्कूल कितने वाले स्कूल हैं आजकल। स्कूल में जाएं आप तो उसमें प्ले ग्राउंड ही नहीं होता जो खेलें बच्चे, ज़हनी तरबियत के कोई काम होते ही नहीं है, वर्जिश का कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल जाएंगे तो वो यही करेंगे, तो पहले तो ग्राउंड्स होते थे, स्कूल्स होते थे, बच्चे कम थे, स्कूल ज़्यादा थे, आजकल कुछ और हो गया ना। यही जैसे बेटा कह रहा है सबीन बेटे ने बात की कि वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वाकई सही कहा, बहुत अच्छी बात की आपने कि उतनी मेहनत जितनी वहाँ जा के करते हैं वो यहाँ करें तो बहुत आगे बढ़ें, बहुत काम कर लें। यहाँ काम ही कोई नहीं करना चाहता, यहाँ तो काम करना भी चाहते हैं तो गलत करना चाहते हैं। एक नौकर को आप अगर 20,000 रुपये महीने पर रखते हैं तो वो 20,000 की नहीं सोचता कि आपको तो सी मिलना है, नहीं वो सोचता है 21,000 कैसे बनाऊँ, सब्जी में से कैसे काटूँ इनको, और वो आगे की सोचता है, गंद की सोचता है। हमारे में देर सिस्टम को ठीक होना है और वो होगा, वो होगा। ये जो तूफान आ रहे हैं अब लोग कहने लग गए हैं यार देखो हम में बुराई इतनी आ गई, अल्लाह का अजाब आ रहा है, और वाकई इतनी बुराई हो गई तो अजीब भाई आजकल तो हाथ मिलाते डर लगता है कि कुछ छीन लेगा, कुछ ले रहा, कोई बंदा अच्छी बात करता है तो सोचता है बंदा इसमें क्या लालच है जो अच्छी बात सही कर बात। ये इतना अच्छा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा क्यों है, अजीब हैरत होती है ना। ये अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो आगे किसी ने रास्ता दिया, उसने कहा आप गुजर जाएं, तो हमने इतना शुक्रिया अदा किया और हैरान हुए। देखो हैरान हुए ऐसे, हालांकि हर एक को ऐसा होना चाहिए। डिस्क्रिटियस कंट्री हो गई है बिल्कुल, हर बंदा जो है अब ये कुछ किसी को तो नहीं, रेडी वाले को कौन कहता है कि गंदा सेब दो, इसको झूठी चीज उठा के दे दो या इसके साथ गलत काम, नहीं वो एक घुट्टी में आ गया हुआ है इसके लिए अकाउंटेबिलिटी। लेकिन बस मेरे ख्याल में हम इन चीज़ों को जब एड्रेस कर रहे हैं ना कि अच्छा ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे अच्छी एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि वाकई काम भी कर रहे हैं, तो वही है कि वो लीडरशिप रोल में आएंगे और उसके बाद सबको साथ लेके चलेंगे एज ए टीम, तो इंशाल्लाह चेंज भी आएगा। ख्वाब होके रह गए ना, हम सोचते नहीं, हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। राय साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया हमेशा की तरह आपसे बात करके, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। ये वो आप जैसी शख्सियत वो खजाने हैं जो खामोश रहते हैं, वो कहते हैं भाई पूछ लो, बात करोगे तो जवाब मिलेगा। ये 50-60 साल हो गए बेटा मैं यही बातें इंटरव्यूज में भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लेकिन फर्क पड़ता है, आप मत समझिए कि फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। नहीं मालूम कहाँ किस कोने में कोई छोटी सी जिंदगी की किसी एक बच्चे की वैल्यू भी बदल गई आपकी किसी एक बात से, तो मेरा ख्याल मकसद पूरा। हाँ जब पैसे में हमें ना इज्जत लगती है, खुशी लगती है, सुकून लगता है, हालांकि बरकत में है सुकून, पैसे में नहीं है। बरकत को छीनने के लिए आपको नेक होना पड़ता है, सच्चा होना पड़ता है। इफ़ आई एम नॉट गुड टू यू, मैं अपने बच्चों के लिए अगर हूँ अच्छा तो मुझे आपके लिए भी अच्छा होना, अच्छा होना पड़ेगा। आपके लिए अगर अच्छा नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं हूँ, तो ये होना चाहिए कि हर एक के लिए बंदा अच्छा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपसे इजाज़त चाहें, हमारा पहला प्रोग्राम का हिस्सा जिसमें सबीन आपके लिए बहुत से सेगमेंट्स लेके आई, वो आपको कैसा लगा, लगारी साहब की बातें कैसी लगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बतलाइएगा। और इन जैसी शख्सियात से क्या हम सीखते हैं, देखिए आज उन्होंने गिला किया कि ऐसी बातों का पता नहीं कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं, तो आप बतलाइए, आप हमारे व्हाट्सएप पे इस बात को आगे बढ़ाइए कि क्या इस तरह की बात जब आप टेलीविज़न पर सुनते हैं तो सुनने का कोई फ़ायदा होता है, क्या आप अपने बच्चों की तरबियत में कोई इंग्रेडिएंट और ऐड करते हैं। तो सबीन अब चाहेंगे हम इजाज़त, बिल्कुल जी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।